नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें बुखार क्यों आता है, हमें फीवर क्यों आता है। बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि जब भी हमें बीमार पड़ते हैं तो सबसे जो पहला सिम्टम होता है हमें बुखार आता है। तो आखिर ये बुखार क्यों आता है, क्या इसके मैकेनिज्म्स होते हैं और बुखार आने पर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके कंफ्यूजन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं भाई बुखार का मतलब क्या होता है। बुखार को हम फीवर भी कहते हैं। हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फॉरेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ये जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, 38 या 39 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है या 100 डिग्री फॉरेनहाइट के ऊपर भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो भगवान ने पहले से एक डिफेंस मैकेनिज्म हमें दे रखा है कि जब भी कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है बाहर का तो हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो मतलब कि इनिशिएट कर देती है, उसको एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से जो भी इन्फेक्शन हुआ है पैथोजन का, वायरस का, बैक्टीरिया का, उस वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी पैथोजन है वो हाई टेम्परेचर पे जीवित नहीं रह पाते, वो वहां पर नष्ट हो जाता है। तो हमारी जो बॉडी है बुखार के तौर पर हमारी बॉडी अपने खुद को बचाती है उसके वायरस से, बैक्टीरिया से और पैथोजन से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कोई बुखार आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब हाई होता है तो हम लोग दवाई लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल्स है, क्रोसिन्स है, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए अगर सही बात बोले तो। ठीक है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर जो कंडीशन है वो लोग ये पैरासिटामोल के जो साइड इफेक्ट है वो जब भी उनको हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस वजह से ज्यादा लेते हैं। उस वजह से आपको मेडिसिन की वजह से भी कई तरह के दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जब भी कोई भी आपको इन्फेक्शन होता है तो अपने शरीर का आपको साथ देना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ठीक है, ठीक है, आपको सर्दी लग रही है तो अपने बॉडी को मतलब कि आपको बचाना है बाहर के टेम्परेचर से। ठीक है, कोशिश ये करना है कि हो सके तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप पैरासिटामोल लेते हो, क्रोसिन लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हो। तो देखिए बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा रही है उस पैथोजन से लड़ने के लिए, और आप लोग क्या करते हो, मेडिसिन खाते हो, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ही अपने बॉडी के अगेंस्ट में जा रहे हो। ठीक है, तो जब भी आपको बहुत ज्यादा बुखार लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर की जरूर सलाह करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बुखार क्यों आता है, आपको कब मेडिसिन लेनी है और क्या मैकेनिज्म होता है बुखार का, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।